गाइस हमारे साथ ना एक पंगा हो गया की आदत होती ये बहुत सेल्फिश लोग हैं को रात में चढ़ना होगा वो चढ़ ही नहीं पाएगा गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अनिका द एक्सप्लोरर। तो सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट होते होते व्लॉग को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक नहीं कराए। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ पुरानी दिल्ली स्टेशन पर और हम सब जा रहे हैं शिमला। तो ये देख सकते हैं पापा हमें छोड़ने आए हैं कार से स्टेशन पर और हम सब जा रहे हैं शिमला। हम सब मतलब यानी कि सिर्फ बच्चे कजन्स जा रहे हैं शिमला, कोई भी घर से बड़ा नहीं जा रहा है, फैमिली मेंबर में से कोई भी नहीं जा रहा है। तो गाइस मैंने सोचा था जब हम घर से निकलेंगे ना तभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, बट हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए ये बताइए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इंडियन पेरेंट्स की आदत होती है जब घर से कोई भी निकले जल्दी 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 करो निकलो निकलो निकलो। और जबकि लेट हो रही है, हमारी ट्रेन ना बहुत ज्यादा लेट है, उसके बाद भी इंडियन पेरेंट्स बोलते हैं 10-15 की ट्रेन है, नहीं तुम्हारी 1 घंटे पहले ट्रेन आ गई है, जाओ जाओ जाओ। तो हमें ना बहुत जल्दी निकलना पड़ा इस चक्कर में और बहुत ही हड़बड़ तड़बड़ हो गई। तो मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, तो आप थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का लुक देख लो। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम 9:55। ट्रेन के पैर पे मेहंदी? गाइस ट्रेन की शादी है तो कल इसके पैर में आज मेहंदी लगी, समझ आई? कहाँ से लगे? ट्रेन चलनी स्टार्ट हो गई है। हमारे बिल्कुल गेट के पास सीट है, तो मैंने सोचा है हम यहाँ पे कुंडी लगा देते हैं, जिसको रात में चढ़ना होगा वो चढ़ ही नहीं पाएगा। बहुत दुख की बात होती है भाई, अगर सोच तू चढ़ रही हो और किसी ने ऐसा करती हो फिर बोल तू चढ़ जाओगी फिर अगर भाई ये बहुत सेल्फिश लोग हैं। बज रहे हैं 4 और मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, थोड़ी सी देर सोई थी और मैंने ब्रश भी कर लिया क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो 4 बजे थी पहुँचने का जो टाइम था, बट हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है तो अभी हम पहुँचेंगे 6 बजे। तो गाइस हम ट्रेन से उतर चुके हैं और हम कालका स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और अब हम थोड़ा सा रेडी होंगे, मतलब अपने कॉम करेंगे। फेस वॉश वगैरह तो मैंने कर लिया, मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे कॉम करना है। और ये सब ना पूरी रात सो रहे थे, ना इन लोगों ने ब्रश करा ना ही फेस वॉश करा, कुछ भी नहीं करा, ये बस सो रहे थे पूरी रात। देखो कितनी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, मैंने बहुत टाइम के बाद सुनी है। ये देखो गाइस पता है इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना पूरी रात, बहुत ठंड थी और ठंड की वजह से ना मैं सो नहीं पाई हूँ, मुझे नींद नहीं आई है बिल्कुल भी। और जब मैं थोड़ी देर सो रही थी तो ये उठकर बातें करने लग रहे थे और उसके अलावा मुझे बहुत ठंड लग रही। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद बिल्कुल शांति से बैठ के मैंने आधे घंटे सॉन्ग सुना है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ मिल रहा है। मैंने बहुत टाइम के बाद सॉन्ग सुने और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे को ना ऐसा फील हो रहा था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें लाइफ में क्या मतलब पूरे साल में या महीने में पॉसिबल हो तो हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए अपने हर काम से जो कि हमारा डेली रूटीन। मैं ना इस ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये सब भी एक्साइटेड है। ऑफकोर्स हम फर्स्ट टाइम आए हैं विदाउट फैमिली तो हम एक्साइटेड हैं गाइस। तो मुझे तो लग रही है भूख तो मैंने ले ली है अपने अंकल से जो कि मैं घर से लेकर आई थी, और हम लेकर आए थे ये स्प्राइट की बॉटल और ये कर रहे हैं अब सारे ब्रश। गाइस हम हैं कालका शिमला रेलवे स्टेशन पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ पर, हमारी टॉय ट्रेन कहीं पर खड़ी हुई है। गाइस मैं टॉय ट्रेन के पास खड़ी हूँ एंड लुक एट दिस माउंटेन्स, मुझे
मुझे बहुत खुशी हो रही है माउंटेन्स को देखकर। एंड ये है हमारी टॉय ट्रेन, इसमें हम बैठ के जाएंगे। पता ये वाली है या ये वाली है, बट इन दोनों में से ही कोई एक है। गाइस हमारे साथ ना एक पंगा हो गया जिसे हम मैटर कहते हैं इंग्लिश में। यस ठीक है गाइस, थोड़ा विवाद चल रहा है, थोड़ा सिस्टम बिठाना पड़ेगा इधर। तो हमारे साथ मैटर ये हुआ है कि हम छो की जो सीट है ना, कौन सी ट्रेन है, टॉय ट्रेन, वो ना बहुत ही डिफरेंट कोच में है और इसमें इंटरसेक्शन ही सबसे बड़ी बात ये है, तो इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको देखो, ये EV7 कोच है, ये EV6 है, EV5 है, तो हमारी अलग अलग में, किसी की EV7 में, किसी की EV6 में, किसी की EV3 में, तो इस चक्कर को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं इस मैटर को सोल्यूशन हो पाता है या नहीं होगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और नहीं होगा तो भी बताऊँगी। चल रहा था उसमें ये मैटर अभी तक चल रहा है कि हमारी दो सीट तो एक्सचेंज हो चुकी है, बट एक सीट अभी रह रही है, तो देखो क्या होता है। वैसे हमने एंटर करा टॉय ट्रेन में, एंड लुक एट दिस फोटो, कितनी क्यूट लग रही है। और ये है ऐसे सीट साइड हो, ये देखो ये है विंडो सीट, और ये है दूसरी विंडो सीट, और यहाँ से हम करेंगे व्यूज को एंजॉय। Look at the view. Look at the view, guys. Oh my God, I'm too excited. Are you? Let me know in the comment section. Guys, let's see. हमारी ट्रेन जो है वो टर्न ले रही है, और ये देखो ब्यूटीफुल सा सनलाइट एंड ये माउंटेन्स। Yes, मैंने माउंटेन्स बहुत टाइम के बाद देखे, आई एम जस्ट लविंग इट गाइस। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पीस मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है। सॉन्ग्स ब्रेक कर रखे हैं तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर चढ़ रही है। वाओ अमेजिंग गाइस, सब मुझे ज़्यादा खुश भी हूँ, तो मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अगर आप कभी गए हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम टनल में हैं जो कि बड़ोक, और ये देखो यहाँ पर है ये क्यूट सा सिटिंग एरिया, और वहाँ पे खड़ी है हमारी ट्रेन, और यहाँ पे छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से हाउस, और ये ब्यूटीफुल सा सीन, और ये ब्यूटीफुल सी मैं। अब दिखाती हूँ आपको हिल स्टेशन की रियलिटी, ये देख रहे हो कितना कूड़ा पड़ा है। एक्चुअल में हमें सुंदर तो बहुत दिखता है, बट हम आते हैं तो हम यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंकते हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जबकि डस्टबिन हर एक जगह अवेलेबल है। ये देखते जाओ वापस कितना कूड़ा। गाइस तो इस टाइम हमारी टॉय ट्रेन जो है वो तारा देवी पहुँच चुकी है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, और इसका व्यू, यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा है। और मैं ना थोड़ी देर मैंने नैप ली है, बहुत ही अच्छी, बहुत मज़ा आया मुझे सोने में। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बैक कैमरे से, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा व्यू है, और बहुत तेज़ धूप हो रही है इस टाइम, तो ये धूप ना बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लग रही है। गाइस मैं आपको बता रही थी हिल स्टेशन की रियलिटी, आई डोंट नो मेरी उस टाइम आवाज़ आई होगी आपको या सही से नहीं, बट रियलिटी यही है कि यहाँ पर ना अनलिमिटेड प्लास्टिक पड़े हुए हैं, गार्बेज तो ये नेचर है, नेचुरल चीज़ें हैं। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो डोंट थ्रो द गार्बेज, मत फेंको बिल्कुल भी कूड़ा, उसे अपने पास रखो, क्योंकि हमारे पास ना इतनी जगह ऑफकोर्स सबके पास होती है कि वो जो आप कूड़ा ज़मीन पर फेंक रहे हो या कहीं रास्ते में फेंक रहे हो उसे आप अपने बैग में रख सकते हो, तो ऐसा मेरा मानना। फाइनली वी आर एट शिमला, लुक एट द व्यू, बैक व्यू आप देख सकते हो पीछे का, लुक एट द बदलाव। तो हम शिमला आ चुके हैं, तो आ
आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों को शिमला में कितना मजा आया और आप लोग टॉय ट्रेन पे बैठ के एंजॉय किए हो कजिन के साथ, ठीक है ना, या फैमिली के साथ, या आप सब विजिट कर चुके हो, बाय बाय।